स्वागत है आपका श्री वैष्णव मंदिर उडुपी में, जो 13वीं सदी में वैष्णव संत माधवाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। यह मंदिर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और भगवान कृष्ण को समर्पित है। मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक विशेष कहानी है। कहा जाता है कि माधवाचार्य को भगवान कृष्ण की मूर्ति एक गोपी चंदन यानी विशेष प्रकार के चंदन के गेंद में अंदर मिली थी। यह मूर्ति अत्यंत दिव्य है और तभी से उडुपी को भक्तों का एक पवित्र केंद्र माना जाता है। मूल रूप से माधवाचार्य ने इस मूर्ति को पूर्व दिशा की ओर रखा था, लेकिन आज यह मूर्ति पश्चिम की ओर मुख किए हुए है, जिसे पश्चिमाभिमुखा कहा जाता है। इसी के साथ इस मंदिर में एक और अद्भुत घटना घटी जो इसे और खास बनाती है। यह है कनकना कैंडी। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के परम भक्त कनकदास को मंदिर के प्रवेश करने से रोका गया था और इस पर भगवान कृष्ण की मूर्ति ने स्वयं उनका सामना करने के लिए अपना मुख फेर दिया और दीवार में एक छोटा सा छेद बना दिया। इसे कनकना किंडी या कनक की खिड़की कहते हैं और आज भक्त इसी खिड़की से भगवान के दर्शन करते हैं, जिसमें यह स्थल भक्ति और दिव्यता का प्रतीक बन गया है। मंदिर में एक पवित्र सरोवर है जिसे माधव सरोवर कहते हैं, जहां भगवान की मूर्ति को स्नान करवाया जाता था। इस सरोवर का शांत और दिव्य वातावरण श्रद्धालुओं को मन को शांति प्रदान करता है। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर के साथ साथ यहां की भोजन परंपरा भी आकर्षण है। उडुपी की रसोई को उडुपी खानपान का जन्मस्थान माना जाता है, जहाँ से पूरे भारत में प्रसिद्ध सादा पौष्टिक और शुद्ध शाकाहारी भोजन की शुरुआत हुई। यहाँ हर 2 साल में एक भव्य पर्व मनाया जाता है, जिसे पर्यायोत्सव कहते हैं। इस पर्व के दौरान मंदिर के प्रबंधन का कार्य एक मठ से दूसरे मठ को सौंप दिया जाता है। यह पर्व न केवल मंदिर की प्राचीन परंपराओं को जीवित रखता है, बल्कि भक्तों के लिए एक विशेष अनुभव भी प्रदान करता है। पर्यायोत्सव के समय भगवान श्री कृष्ण के स्वर्ण और हीरो से जड़े रथों का उपयोग किया जाता है, जो इस धार्मिक स्थल की शोभा को और बढ़ाते हैं। उडुपी में एक और अद्वितीय पहलू है गीतापद, जो भगवद गीता के प्रचार प्रसार का एक प्रमुख केंद्र है। गीता उडुपी मंदिर के तत्वावधान में यहाँ श्री 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 गुणनेन्द्र तीर्थ श्रीपाद जी के नेतृत्व में गीता का प्रचार किया जाता है। इसका संबंध जगत गुरु श्रीमद नंदना तीर्थ मूल महासंस्थान से है, जो श्रीमुदुपेंद्र तीर्थ का एक हिस्सा है। यहाँ श्री पुट्टिकट मठ और राजा पिठूर जैसे पवित्र मठ भी है। इसके अतिरिक्त यहाँ कोटि गीता लेखन यज्ञ भी आयोजित किया जाता है, जिसमें भक्त गीता के श्लोकों का सामूहिक लेखन करते हैं, ताकि गीता का संदेश सभी तक पहुंच सके। मंदिर परिसर में तुलसी वृंदावन और गौशाला भी है, जो पर्यावरण और परंपरा के जुड़ाव का प्रतीक है। भक्तों के लिए यह एक विशेष ड्रेस कोड है, ताकि मंदिर का पवित्र वातावरण बनाए रख जा सके। मंदिर प्रवेश करते समय पुरुष भाविक कंधे पर सिर्फ रुमाल या वस्त्र और पतलून पहन सकता है, स्त्रियाँ भारतीय पोशाक पहन सकती है। मंदिर के चारों ओर कई दुकानें भी हैं, जहां से भक्त प्रसाद पूजा सामग्री और स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। यहां का वातावरण भक्तिमय और सांस्कृतिक अनुभूति से भरा हुआ है, जो श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को एक यादगार अनुभव देता है। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां भक्ति इतिहास और संस्कृति का संगम मिलता है। यहां आने वाले सभी भक्त इसे एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में अनुभव करते हैं, जो उनके मन और आत्मा को शांति और आस्था प्रदान करता है। Krishna, Hare Hare, Hare Krishna.
कृष्णा।